दोस्तों, इसके पहले मैं 3 वीडियो बनाया हूँ, ये चौथा वीडियो है। इसमें मैं कुछ और तरह के शब्दों, मैंने हिंदी के शब्दों को लिया हूँ, वो उसकी माने भी जानना आपको ज़रूरी है। जैसे पहला शब्द मैं लेता हूँ, भ्रष्टाचार। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माल प्रैक्टिस। ठीक है, थोड़ा राइटिंग टैबलेट में उतना अच्छा नहीं होता है ये, अगर आप टैबलेट यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन जब मैं वैकम खरीदूंगा तो उसमें राइटिंग और भी अच्छी होगी। ठीक है, तो भ्रष्टाचार मतलब इसमें अगर देखें, ये दो शब्दों से मिला हुआ है। भ्रष्ट है जिसका आचार, भ्रष्ट जोड़ आचार। ठीक, अब कहेंगे आचार भी एक ऐसा वर्ड है, इसका माने भी तो नहीं आता है। तो आचार मतलब होता है कि व्यवहार का तरीका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, और भ्रष्ट माने होता है करप्ट। ठीक, और भ्रष्टाचार मतलब होता है मॉल प्रैक्टिस। ठीक है, तो जब आचार भ्रष्ट हो तो उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। चलिए, ये पहला शब्द हुआ। दूसरा शब्द देखते हैं, बहुवैकल्पिक। इसको अगर हम लोग बोलें तो इसमें कुछ शब्द आया है, विकल्प से वैकल्पिक हुआ है। हम जानिए विकल्प, विकल्प माने इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन, OPTION ऑप्शन। और वैकल्पिक मतलब होता है ऑप्शनल, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। ठीक, और बहुवैकल्पिक मतलब, बहु मतलब होता है मल्टी। ठीक है, मल्टी ऑप्शनल, ये पूरा इसका मतलब हुआ, मल्टी ऑप्शनल। जैसे होता है ना बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा शब्द लेता हूँ। अगर आपको किसी तरह का इसमें कोई डाउट है या इस तरह के और भी शब्दों को आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, तीसरा शब्द लेता हूँ मैं, अभ्यास। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रैक्टिस। ठीक, ये ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जानते हैं, प्रैक्टिस होता है। इसमें चौथा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है शास्त्रीय। ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शास्त्र का, शास्त्र का। अब शास्त्र मतलब क्या होता है, शास्त्र मतलब ऐसा किताब, खासकर इसको हम लोग कह सकते हैं धर्म ग्रंथ, है ना, ऐसा किताब जिसमें जीवन के जीने की रीति, रूल, आचार निहित होता है, एक्सप्लेन किया होता है, उसको हम लोग शास्त्र बोलते हैं। और शास्त्रीय होता है कि मतलब शास्त्र से संबंधित। ठीक, शास्त्रीय संगीत मतलब ऐसा संगीत जिसका संबंध शास्त्र से हो, यानी वो नीतिगत किताबों से हो। ठीक है ना, पांचवा देखिए, पांचवा मैं बता रहा हूँ, भाग्यशाली। भाग्यशाली को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लकी, फॉर्चुनेट, मतलब ऐसा इंसान जो लकी हो। ठीक है, जो फॉर्चुनेट हो वो हुआ भाग्यशाली। और इसी में एक शब्द निकलता है भाग्य, जिसको हम लोग बोलते हैं लक या डेस्टिनी भी इसको बोलते हैं। ठीक, इसके बाद छठा देखते हैं, श्रेष्ठ। आप इस सब की मीनिंग शायद जानते भी होंगे, बट ऐसा भी होता है जानते हैं बट कंफर्म नहीं है, हेजी हेजी थोड़ा सा थिंकिंग है। ठीक है, तो एकदम इसमें आपको सटीक जानकारी रखना जरूरत है। श्रेष्ठ मतलब होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सीलेंट। ठीक है, एक और शब्द इसी से निकल के आता है, श्रेष्ठतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियर, यानी सुपीरियर क्वालिटी का है,
श्रेष्ठतर क्वालिटी का है, ठीक है। और भी एक ठो वर्ड इसी में आता है, श्रेष्ठतम, ठीक है, मतलब एकदम सबसे ज़्यादा एक्सेलेंट, सबसे ज़्यादा सुपीरियर, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग द बेस्ट बोल सकते हैं ना, एकदम बेस्ट। इसके बाद सातवां शब्द मैं बता रहा हूँ, कृपा। कृपा एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग फीलिंग पैदा करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी इसका थोड़ा सा अर्थ इधर उधर होता है, लेकिन इसका जो नॉर्मल अर्थ है कृपा का, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग या मर्सी, ठीक है। इसी से एक और शब्द निकलता है कृपालु, मतलब कृपा करने वाला, जो कृपा करता है, कृपा करने वाला कृपालु कहलाता है, ठीक है। आठवां शब्द मैं बता रहा हूँ परिमाण, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखूँ, परिमाण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है। इसी से एक ठो शब्द और आता है परिमाण वाचक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव। इसी से नज़दीक दूसरा एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिणाम। परिमाण और परिणाम में कन्फ्यूज नहीं करने का, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। उसमें मैं पहले था, इसमें हृदय पहले है। दसवां जो मैं बता रहा हूँ एक शब्द है स्वमूल्यांकन, ठीक है। इसमें तीन शब्द है, स्व और मूल्य और अंकन, यानी खुद से कीमत लगाना इसका मतलब होगा। जैसे एक प्रोडक्ट लाया और खुद से उस पर प्राइस लिख दिया, चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अंकन माने होता है चिन्ह लगाना या बनाना, ठीक। एक ग्यारहवां वर्ड है संदेह। संदेह का इंग्लिश मीनिंग होता है डाउट, ठीक है। और ये आखिरी इस वीडियो का है विश्वास, ठीक है। विश्वास मतलब होता है इंग्लिश में, जिसको हम लोग बोलते हैं फेथ, किसी के ऊपर फेथ करना, किसी के ऊपर विश्वास करना, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने 12 वर्ड इस वीडियो में बताए हूँ। अगर आपको और भी इस तरह के वर्ड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फर्दर मैं और इसके कुछ और पार्ट बनाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर आपके पास भी इस तरह से कठिन शब्दों का वर्ड लिस्ट है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।